महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त कोरोना वायरस पर गर्मा गई है। राज्य में महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा है, लिहाजा इससे निपटने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री राहत कोष बनाया है। लेकिन अब इस राहत कोष पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। दरअसल कोरोना वायरस से निपटने के लिए बीजेपी के जनप्रतिनिधि अपना एक महीने का वेतन बीजेपी के आपदा कोष में जमा करा रहे हैं, लेकिन इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत को आपत्ति है। उनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं को यह पैसा सीधे मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना के खिलाफ बनाए गए विशेष खाते में जमा करानी चाहिए। हालांकि इसके बाद अब राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राउत को जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने सवाल किया कि इनकी लड़ाई कोरोना वायरस से है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। फडणवीस ने याद दिलाया कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के समय शिवसेना ने भी ऐसा ही किया था, उसे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं से संवाद कर पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सेवा कार्य की समीक्षा की। आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीजेपी जनप्रतिनिधियों के एक महीने का वेतन भाजपा आपदा कोष में जमा कराने पर सवाल उठाए थे। हालांकि बीजेपी और शिवसेना में आपसी मतभेद ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दोनों पार्टियां कई मुद्दों पर आमने सामने आ चुकी हैं। ऐसे में फडणवीस ने राउत को सटीक जवाब दिया। संजय राउत बीजेपी पर निशाना साधने का मौका ढूंढते रहते हैं और उन्होंने इस बार भी वही किया, लेकिन फडणवीस ने शिवसेना को उसकी करतूत याद दिलाकर राउत की बोलती ही बंद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।